हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम करने वाले हैं ग्रीन थ्योरम्स का प्रूफ। ग्रीन थ्योरम हमारी वेक्टर कैलकुलस में जो है उसका प्रूफ करना है हमने। अच्छा, ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या आती है आपको पता ही होगा, दैट इज़ ये थी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ओवर सम कर्व सी, ये किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रल एन, जो डी वाई के आगे एन का इंटीग्रल, एन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एक्स से, एम का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वाई से, साथ में डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर इनक्लोज्ड बाय द कर्व सी। अब हमने ये शो करना है, ठीक है जी। इसको कैसे प्रूव करूँगा, इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं ये प्रूव करूँगा कि अगर इसको इसके पास ले जाएं कि ये शो करेंगे कि एन डी वाई ये किसके इक्वल आता है, इसका एन वाले का, एन वाले का इसका, चलो एम डी एक्स कर लेते हैं। पहले हम ये शो करेंगे फर्स्ट, सॉरी, ये फर्स्ट वाले का एम डी एक्स ओवर दी कर्व सी, ये किसके इक्वल आएगा, एम वाला यहाँ पे ये, ठीक है जी, कि इस इन दोनों को इक्वल शो करेंगे। अगर इसको इधर ले जाएं एक तो ये शो करेंगे, सिमिलरली सेकंड हम शो करेंगे, सिमिलरली कर देंगे हम शो, अगर एन डी वाई का इंटीग्रल करें ओवर दी क्लोज्ड कर्व सी, एन वाला क्या है, कर्ली एन बाय कर्ली एक्स डी एक्स डी वाई। मीन्स अगर हम ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दें, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है जी। ग्रीन्स थ्योरम में हमने ये प्रूव करना था। अगर इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले एम वाला का इक्वल शो करेंगे, फिर एन वाले को इक्वल शो करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब प्रूव करके देखें, चलो अब इसका प्रूव करते हैं, हम कैसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए कर्व इस तरह की है ओवर दी क्लोज्ड कर्व सी, ये हमारी क्लोज्ड कर्व सी है, ठीक है जी। ये बीच वाला रीजन हमारा जो है वो आर है, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैंने इसको, अब क्लियरली डायग्राम से पता चलता है इसकी ये कोई लोअर वैल्यू होगी। ये मान लीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी है, ठीक है जी, ये क्लियर है। ये पॉइंट को सपोज कर लिया मैंने ए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने एक्स, यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने वाई, क्लियर है जी। अब ये देखिए, ये जो कर्व है, ये कर्व के एंड पॉइंट एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू बी है। अब हमने डबल इंटीग्रल में किया था, मान लीजिए ये जो नीचे वाली कर्व है, ये पूरी कर्व दो हिस्से से मिलकर बनी है, एक तो ये नीचे वाली ए एक्स बी, उस कर्व की इक्वेशन, उसको नाम दे दिया मैंने, वो है y इज इक्वल टू जी वन एक्स, ये नीचे वाली कर्व है y इज इक्वल टू जी वन एक्स, एंड जो ऊपर वाली कर्व है ए वाई बी, उसको नाम दे दिया y इज इक्वल टू जी टू एक्स, ये दो कर्व्स हैं, ठीक है जी, समझ आया बेटा। ये जो नीचे वाली कर्व है, दिस वन, इसकी इक्वेशन, ये पूरे वाली, ये पूरे कर्व यहाँ से यहाँ तक, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी वन एक्स। ये जो ऊपर वाली कर्व है, इसकी इक्वेशन है, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कर्व शेप में, दैट इज हम इसको वेरिएबल लेंगे, क्लियर है। ये एंड पॉइंट्स x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, ये नीचे वाली कर्व की इक्वेशन मान ली मैंने y इज इक्वल टू जी वन एक्स, ऊपर वाले की y इज इक्वल टू जी टू। अब देखिए, हमने ये शो करना था, इसको अगर इधर ले जाएं, हम ये शो करना है दिस नंबर डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी एक्स। देखें अब कैसे प्रूव होगा। हमने ये कंसीडर किया डबल इंटीग्रल कर्ली एम बाय कर्ली वाई डी एक्स डी वाई ओवर दी रीजन आर। अब हमने डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते थे, अगर तो ये रेक्टेंगल बना होता तो दोनों लिमिट्स कॉन्स्टेंट होती है, अब ये रेक्टेंगल तो है नहीं, तो एक लिमिट कॉन्स्टेंट होगी, एक लिमिट वेरिएबल होगी। मैंने इसको देख के, ये था, ये एज इट इज़ लिखा, पहले कांस्टेंट लिमिट लिखते हैं। एक्स की लिमिट क्या है, हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि ये शेडेड कर्व में एक्स की लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है,
ठीक है, अगर तो ये रेक्टेंगल होता तो y की लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d, बट ये रेक्टेंगल तो नहीं है, कोई भी कर्व हो सकती है, दैट्स वाई x की लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। अब y हमें पता है ऊपर जाते हुए बढ़ता है ऐसे, तो y की लोअर लिमिट इस पे आएगी ये वाली कर्व पे, y इज इक्वल टू जी वन एक्स, अपर लिमिट ये वाली कर्व पे आएगी, ये कर्व क्या इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन हमने लिखी है y इज इक्वल टू जी टू एक्स है, क्लियर है। अब हमें याद हो, हमने डबल इंटीग्रल में किया था कि जो वेरिएबल लिमिट होती है पहले उससे इंटीग्रेशन होता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन पहले हम y से करेंगे, x एज इट इज पहले इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y से करेंगे, ठीक है जी, करली m बाय करली y पहले y से करेंगे, जो आंसर आएगा उसका x से करेंगे। देखें अब देखिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये रह गया m, m किसका फंक्शन है, m एंड n बोथ x एंड y के फंक्शन है, ये हमने क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे y की लिमिट्स, y की वैल्यू g1, y इज इक्वल टू g2, क्लियर है। बस मेन तो यही है, क्योंकि ये y की लिमिट वेरिएबल है पहले y से इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आया डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, m किसका फंक्शन है हमने क्वेश्चन में किया था, m x का भी है y का भी है, n भी x का भी है y के, अब वैल्यू पुट करेंगे, अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रल x इज इक्वल टू a टू b, m पहले अपर लिमिट x g 2x बनेगा माइनस m x g 1x, ठीक है जी, क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इंटीग्रल को अंदर ले जाऊँ, दोनों के पास ले जाऊँ, एम एक्स कॉमा जी टू डी एक्स, इसको भी इधर ले गया, बीच में प्लस डाल लिया मैंने, चलो माइनस ही रहने दो, अभी एक्स फ्रॉम ए टू बी एम एक्स कॉमा जी वन एक्स डी एक्स, क्लियर है, देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसकी लिमिट्स, इसको मैं इंटरचेंज करूँ, अगर लिमिट्स को कभी भी इंटरचेंज करते हैं तो आगे नेगेटिव आ जाता है, तो ये बन जाएगा बी टू ए एम एक्स कॉमा जी टू एक्स डी एक्स माइनस एक्स फ्रॉम ए टू बी एम एक्स कॉमा जी वन एक्स, ठीक है जी, क्लियर है। अब इन दोनों में अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूँ तो अंदर ये बनेगा प्लस। अब ये देखिए अंदर वाली चीज़ क्या है, देखिए पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रल है, एम का, ओवर किसके इंटीग्रेशन है, ओवर एक्स है। अब ये देखिए एक्स में क्या हो रहा है, पहले यहाँ से शुरू किया, एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये देखिए ये फिगर देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्या कह रहा है, एक्स फ्रॉम एक्स ए से बी तक, यहाँ ए है ये बी है, ए से बी इस कर्व में ए से बी तक जाना है, कैसे जाना है, एक्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग जी वन कर्व, अलोंग दिस एक्स फ्रॉम ए टू बी यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये तो इसका मतलब तो ये हो गया हमारा ए एक्स बी, इसका मतलब तो ये है ए एक्स बी अलोंग कर्व, ठीक है जी। इसमें देखिए बी टू ए जाना है, बी टू ए जाना है फ्रॉम जी टू कर्व, बी टू ए जाना है फ्रॉम दिस कर्व, ये देखिए फ्रॉम बी टू ए जाना है फ्रॉम दिस कर्व, ये हो गया बी वाई ए, ठीक है जी, ये कर्व यही आई, दिस इज बी वाई ए। अगर इन दोनों को इकट्ठा करूं, क्योंकि बीच में प्लस है, इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले ए एक्स बी प्लस यहाँ से यहाँ बी वाई बी, ये पूरी कर्व ही बन गई, दिस इज द क्लोज्ड कर्व सी, देखो दिस इज द क्लोज्ड कर्व सी, यही हमने शो करना था, देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि डबल इंटीग्रल करली एम ओवर करली वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर इज इक्वल टू नेगेटिव, ये बना, अगर नेगेटिव को उधर ले जाएं, ये हमारा प्रूव हो गया जी, देखिए समझ आया बेटा। अगर ये हो गया तो सिमिलरली हम कहेंगे, ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सिमिलरली लिख देना हमने, ये चीज़ होल्ड होती है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, बस मतलब कि इन इसको प्रूव करने के लिए हमें एम वाले को प्रूव कर दो, सिमिलरली कर दो एन वाला इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा जी, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना है। अच्छा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करो जी, सब्सक्राइब कर दो चैनल को,
शेयर करो जी। चलो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ओके, हैव ए नाइस डे।